वहीं 14 फरवरी से विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। विपक्षी पार्टियों ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया तो सत्ता पक्ष ने पत्ते नहीं खोले। बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट आने की उम्मीद थी, लेकिन अब सत्ताधारी दल के नेताओं का इंतजार बढ़ गया है। 22 के महासमर के पहले चरण के नामांकन के लिए 14 जनवरी से अधिसूचना जारी हो गई। चुनावी संग्राम के लिए तीनों विपक्षी पार्टियों ने अपने कुछ उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी कर दी तो सत्ता पक्ष के दावेदारों का इंतजार बढ़ गया। हालांकि इस दौरान संभावित बीजेपी उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। कुछ इसी तरीके से गौतम बुद्ध नगर में बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर शहर में पंकज सिंह का नाम निकलकर सामने आ रहा है। इसी तरीके से जेवर विधानसभा में जो सिटिंग MLA है उनका नाम निकलकर सामने आ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अलीगढ़ से इगलास विधानसभा से राजकुमार सहयोगी हैं जो कि सिटिंग MLA है। आगरा उत्तर से पुरुषोत्तम खंडेलवाल हैं। एतमादपुर से राम प्रताप सिंह चौहान का टिकट कटा है। संभावित दावेदारों की लिस्ट पर नजर डाली जाए तो साफ है बीजेपी ने गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, मुजफ्फरनगर और ऐसे कई जिलों के सभी सिटिंग विधायकों को फिर से टिकट दिया है। बीजेपी की लिस्ट तो सामने नहीं आई, लेकिन समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट को लेकर सियासत जरूर शुरू हो गई। यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने SP की पहली लिस्ट पर निशाना साधा। स्वतंत्र देव ने ट्विटर पर लिखा, सपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली ही सोच से साबित कर दिया कि ये नई नहीं, वही सपा है। वही सपा है दंगा राज वाली, वही सपा है भ्रष्टाचार वाली, वही सपा है तुष्टीकरण वाली, वही सपा है पलायन को शह देने वाली, वही सपा है माफियाओं के संरक्षण वाली, यही बबुआ का समाजवाद है। समाजवादी पार्टी पर बीजेपी ने निशाना साधा तो बीजेपी छोड़ चुके विधायक मुकेश वर्मा ने बीजेपी पर बौखलाहट में बयान देने का आरोप लगाया। वहीं कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा है। शहजादे नहीं है तो आपको भी कबूलना पड़ेगा कि अपने स्वार्थ के कारण आप लोगों ने ये जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मलाई खाने के बाद जो छोड़ा है उसका कारण ये है कि आपका स्वार्थ है, या आपका टिकट कट रहा है, या आपको टिकट बदलने की सीट के लिए कहा गया था वो आपसे हो नहीं रहा था, इसलिए आप छोड़ के उनके साथ जा रहे हैं जहां पर M+Y चलता है। विरोधियों पर बीजेपी की ओर से परिवारवाद के आरोप लगते रहे, लेकिन खबर है कि बीजेपी के कई नेता अपने परिवार के सदस्यों के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। दावेदारों में सांसद रीता बहुगुणा जोशी, जो अपने बेटे मयंक जोशी के लिए लखनऊ कैंट से टिकट मांग रही हैं, सांसद जगदम्बिका पाल, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य भी अपने बेटों के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। वहीं मोहनलालगंज से सांसद और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी अपने बेटे के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। बीजेपी को लोग छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब उसमें सोचिए कितना तानाशाही रही होगी, और छोड़ने वाले लोग लगातार एक आरोप पर ही बात कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार पिछड़ा दलित विरोधी सरकार है। देखिए अभी उधर के टिकटों पे तो कोई बात ही नहीं हुई, और जब वो पार्टी छोड़ करके भागे तब जब आचार संहिता लागू हो गई उसके बाद, तो अभी उन किसी भी के पूरे उत्तर प्रदेश में टिकटों पर इस संबंध में कोई चर्चा ही नहीं, केवल रिपोर्ट आई थी जो है कि उसमें जीत सकते नहीं जीत सकते। टिकटों के दावेदारों की कतार लंबी है, इंतजार भी बढ़ गया। पहले खबर थी कि बीजेपी की लिस्ट 14 जनवरी को जारी होगी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि पार्टी ने इंतजार एक दिन बढ़ा दिया। टीम न्यूज़ स्टेट।